Subscribe under 24/7 and press the bell icon. Hi my lovely stars and angels, welcome to Adda 24/7, government job in your pocket. कैसे हो friends आप सभी? रात के 10:30 हो चुके हैं और आपका vocabulary developer आपके सामने आ गया है vocab की trichology को लेके. बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चे मेरे साथ एक बार जुड़ जाइए, आ जाइए और जल्दी से अपने कुछ words को सीख लेते हैं. लेकिन guys, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, रीड 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 करने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते हो और उसको रिप्रोड्यूस नहीं करते हो. तो आज का ये जो सेशन मैंने रखा है आप लोगों के लिए, ये सेशन मैंने एक रिवीजन का सेशन रखा है. जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं सब बच्चे इसको शेयर करेंगे ताकि हम उन बच्चों को भी जोड़ेंगे जो बच्चे हमारे पास अभी नए आए हैं या नए आने वाले हैं, या जो बच्चे पुराने हैं उनको भी आज रिवीजन कराते हैं. रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ इस चीज़ में आप मेरा साथ देंगे और मैं जितना हो सकेगा आपको इस तरह से ये वोकैबुलरी आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करता रहूँगा. तो गाइज जल्दी से मेरे साथ एक बार आ जाइए, मैं यहां पे अपना वर्ड लिखता हूं और वो वर्ड का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे देना है. ठीक है, जल्दी से मुझे आपका आंसर चाहिए विद ट्रिक्स के साथ. 5 सेकंड में अब वो ट्रिक आप लोगों को याद आनी चाहिए. अब तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं उनमें से मैं कुछ वर्ड्स उठा के लेके आ गया हूं और एक उसको टेस्ट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपको इन वर्ड्स को मुझे बताना पड़ेगा. तो कंप्यूटर महोदय पहला वर्ड जरा देखते हैं बच्चों के सामने क्या होता है. डेली, डी ए डब्ल्यू एल वाई, डेली. डेली का मीनिंग क्या होता है जरा बताएंगे. अगर मैं बात करूं, टू वेस्ट टाइम, टू डू समथिंग वेरी स्लोली, किसी भी चीज़ में को काम धीरे धीरे करने में अपना टाइम को वेस्ट करना, टू वेस्ट टाइम और या किसी चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे तरीके से करना. तो अगर मैं दिल्ली की ट्रिक बताऊं, ट्रिक की अगर मैं बात करूं, देखो क्या हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली वाले जो लोग होते हैं, दिल्ली वाले दिल्ली दिल्ली करते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग में. क्या हो जाएगा, दिल्ली वाले दिल्ली करते हैं मॉर्निंग में. सुबह सुबह आपने देखा होगा दिल्ली की जो लाइफ है, उन लोगों का जो लाइफ है जो स्टार्ट होता है वो 10 बजे सुबह से स्टार्ट होने लग जाता है. ठीक है ना, मतलब नॉर्मली जो लोग हैं जैसे 5 बजे उठने का टाइम होता है, 6 बजे उठने का टाइम होता है, तो वो नहीं उठते, नॉर्मली नहीं उठते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा. तो क्या होता है, एक हमारी लाइफ सेटल ऐसी हो गई है, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि 9 बजे 10 बजे जो है ऑलमोस्ट आदमी उठ के फिर अपने काम करने जाता है. तो दिल्ली वाले क्या करते हैं, डेली करते हैं मॉर्निंग में उठने में. अब ये आप लोगों को अपने आप याद हो जाएगा. कंप्यूटर महोदय जरा जल्दी से एक बार इसका आंसर दिखा दीजिए. तो प्लीज डोंट डेली, वी नीड यू राइट अवे, वी नीड यू हेयर, वी नीड यू हेयर राइट अवे. प्लीज डोंट डेली, वी नीड यू हेयर राइट अवे. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो कि भाई जल्दी उठ जा, डेली मत कर, डेली तू डेली ही करता है. ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ. अगला वर्ड देखेंगे फैचुअस. अगला वर्ड क्या है, फैचुअस. फैचुअस की मैं ट्रिक बताता हूं, देखिए जरा ट्रिक देखेंगे. इतना फैट हो गया, क्या हो जाएगा, इतना फैट हो गया कि, क्या हो गया, फैचुअस हो गया, FATUOUS, फैचुअस हो गया. इतना फैट हो गया कि फैचुअस हो गया. फैट का मतलब क्या, मोटा हो गया. जो भी बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो फिर क्या हो गया, स्टूपिड सा हो गया, मतलब दिमाग उसका काम करना बंद कर दिया. ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो. इतना फैट हो गया कि फैचुअस हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है. हो सकता है इस वर्ड को आपको आपके दिमाग से निकल गया हो, ये रिवीजन जो है आपको इस वर्ड को वापस याद दिला देगी. तो जल्दी से आप लोगों को अगर ये पसंद आया है, ये ट्रिक पसंद आई है, ये वर्ड पसंद आया है, तो जल्दी से एक लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं. कंप्यूटर महोदय जरा जल्दी से एक बार मुझे आंसर दिखाया जाए, मीनिंग क्या होता है, स्टूपिड होता है, फुलिश होता है. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. आगे देखेंगे अब फैचुअस आइडिया. कोई भी आइडिया तो कोई फुलिश सा आइडिया है, अपने आप आपको देखते ही लग जाता है कि हाँ यार इस तरह का जो आइडिया है, इस तरह का जो बिहेवियर है, ये फैचुअस बिहेवियर है, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है. चलते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ, जरा एक बार नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर महोदय. तीसरा वर्ड है हमारा एसिबिलिटी. एसिबिलिटी क्या होता है, नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन इसका ट्रिक क्या है, असर ऑन बेटी व्हेन फादर स्पोक विद एसिबिलिटी. ठीक है ना, एसिबिलिटी क्या होता है सर, जो खट्टापन होता है,
जो बोलने में अगर आप लोग सॉरनेस जो यूज करते हो, ठीक है ना, जो बोलने का तरीका थोड़ा सा भद्दा होता है, अगली होता है, अच्छा नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, उस टोन को एसिबिटिक टोन बोलते हैं, ठीक है ना, एसिबिक टोन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं एसिबिटी, यहां से आप लोग क्या ट्रिक बनाएंगे, असर ऑन बेटी व्हेन फादर स्पोक विद एसिबिटी, ठीक है ना। कंप्यूटर में होता जल्दी से जरा एक बार आप बच्चों को आंसर दिखाया जाए। टार्टनेस, इसको आप इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे यूज कर सकते हो। सॉरनेस आप यूज कर सकते हो। एस्पेरिटी आप यूज कर सकते हो। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूंगा तो काइंडनेस आपका हो जाएगा, स्वीटनेस हो जाएगा। जरा देखेंगे यूसेज इसका। द फादर डिपिक्टेड एन असेबिक टोन, अपनी बेटी को बोला ये मत किया करो, वो मत किया करो, ये वो, इस तरह से क्या हो जाएगा, असेबिटिक। उन्होंने क्या किया, अपनी टोन को असेबिक टोन बना दिया। असेबिटी से क्या बन गया, असेबिक। तो द फादर डिफेक्टेड एंड असेबिक टोन, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर महोदय जरा अगला वर्ड बच्चों को दिखाया जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बियाटिफिक। बियाटिफिक क्या होता है, बियाटिफिक का मीनिंग होता है क्या, जॉयफुल, हैप्पी, जो खुश होता है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। बियाटिफिक मूड हो गया कब हुआ, बियाटिफिक मूड हुआ after beating them, or beating the opponent in the game, ठीक है ना। बियाटिफिक मूड हो गया, जब आप लोग किसी को गेम में हरा देते हो तो आप लोग सैड होते हो कि खुश होते हो, यार आपने गेम में हराया है, आप लोग हमेशा खुश रहोगे। बियाटिफिक मूड हुआ आफ्टर बीटिंग इन द गेम, जॉयफुल मूड हो गया, हैप्पी मूड हो गया। इस तरह से इस ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। कंप्यूटर में जरा जल्दी से एक बार आंसर दिखाया जाए इसका। आंसर देखेंगे आप लोगों को अच्छा लगेगा। गाइज, बगैर रिवीजन के काम नहीं चलेगा, रिवीजन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए। और अगर मैं आज आप लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियो भी दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का रिदम बिल्कुल भी ना टूटे, अगले हम लोग क्या करेंगे, फिर मंडे से फिर हम लोग अपने लाइव क्लास में आ जाएंगे और आपके लिए मैं और ढेर सारे वर्ड्स जो है उस दिन लेके फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो ये आपका हो गया जॉयफुल, हैप्पी। एंटोनिम क्या हो गया, बैड हो गया, सोरोफुल हो गया। The angels in the painting have beatific smiles, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर जी जरा एक बार नेक्स्ट वर्ड दिखा दीजिए। अगला वर्ड है क्या, बाकनिया। बाकनिया का मीनिंग क्या होता है, देखो बाकनिया का मतलब होता है लुटेरा। अब बाकनियर, लूटेड, बीकानेर वाला, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों अब बाकनियर याद आएगा, आपको बीकानेर वाला याद आएगा। अरे बीकानेर वाला जानते हो, बहुत बड़ी दुकानें होती हैं इन लोगों की, लूट लिए यार क्या दिक्कत है। A buccaneer looted the Bikaner wala, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। Pirate हो गया, Raider हो गया, Plunderer हो गया। अगर इसका अगर मैं यूसेज देखूं, the buccaneer fought the king soldier for many a year, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। Pirate आपने याद कर लिया, अब buccaneer को इस तरह से कभी भी आप लोग आकर भूलोगे नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है अभी, अब जितने भी आप लोग ये वर्ड देख रहे हो, इनमें से आपको कोई भी दो वर्ड अगर अच्छे, ज्यादा अच्छे लगे हो, उसका सेंटेंस बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दिखा सकते हैं। क्लियर गाइज, आई होप आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा और आपको याद भी आ गया होगा। जो भी बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं वो कैब याद करूं, रिवीजन बहुत जरूरी है, मैं ही नहीं कोई भी टीचर अगर होगा, अच्छा टीचर जो भी होगा वो हमेशा यही बोलेगा, रिविजन इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जरा एक बार दिखाया जाए। अगला वर्ड है हमारे पास क्या, डायबोलिकल। डायबोलिकल का मीनिंग क्या होता है, अब देखो डायबोलिकल, देखो जरा डायन, अरे डायन तो समझते हो सारे, डायन बोली, डायन क्या बोली, कल मारूंगी, ठीक है ना, मारूंगी, हाँ डायबोलिकल क्या होता है, डायन बोली कल मारूंगी, है ना, इस तरह से आप इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो। चलिए अब क्या होगा, डेविलिश होता है, सेटेनिक होता है, फियंडिश होता है। एंटोनिम क्या हो गया, हेवनली होता है, बिनाइन होता है, होली होता है, वो अपवित्र हो गया, ये पवित्र हो गया। हिज ड्राइविंग इज डायबोलिकल, सर उसकी ड्राइविंग जो है ना इतनी खतरनाक है सर, डेविलिश ड्राइविंग है सर उसकी, बहुत ही ज्यादा क्या है, डायबोलिकल है। हिज ड्राइविंग इज डायबोलिकल, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा 7 दिखाएंगे एक बार। सारे के सारे वर्ड आप लोगों को देखने हैं, क्लियर करना है, रिविजन करना है। अगला हमारा वर्ड है फसेशियस। फसेशियस जो है आपका एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और मैंने इसके लिए क्या ट्रिक बताया था, शीशे में फेस देखा और फसेशियस बन गया। फसेशियस का मतलब होता है जो आपका जोकिंग हो, ह्यूमरस हो। आप शीशे में देख के फेस, आप लोग हजार तरह के फेस बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो इसी तरह का फसेशियस से आप इसको याद कर सकते हो। ये फेस जो है आप लोगों को पता है इसका मतलब चेहरा होता है। तो
शीशे में फेस देखा और फसेशस हो गया। ये बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को ये याद करवा रहा हूँ। अब भी अगर आप लोग इसको नहीं कर पाए तो फिर जब हमारा एसएससी का प्री आएगा तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा गाइज। इसलिए चाहे इनको वर्ड से करो, चाहे इनको सिनोनिम एंटोनिम से करो, चाहे इनको पिक्चर से करो, चाहे इनको आप सेंटेंस बना के करो या आप लोग ट्रिक्स से करो, आप लोगों को वर्ड याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में फसेशस आ रहा है तो वो आप लोगों को आना चाहिए। फसेशस का मीनिंग होता है फ्लिपेंट, आपका ह्यूमरस हो गया, फनी हो गया, एंटोनिम देखेंगे फॉर्मल हो गया, सीरियस हो गया, ग्रेव हो गया। तो फसेशस का मीनिंग देखेंगे, डोंट बी फसेशस, इट्स सीरियस, फसेशस मत बनिए, ये बहुत सीरियस मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जरा देखेंगे, अगला वर्ड है हमारे सामने और ये लास्ट वर्ड है आपका। अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये रिविजन आपका, ये हो गया आपका फिब्राइल। अब आपको क्या करना है, आपका वीकेंड आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, फिब्राइल करने के लिए आप क्या करोगे, आप लोग क्या आप बहुत एक्साइटेड हो, कुछ ना कुछ एक्साइट करोगे, फिब्राइल एक्टिविटीज करोगे आप लोग, क्या करोगे, फिब्राइल एक्टिविटीज ऑन कब करते हैं जरा बताओ मुझे, 14th February, फिब्राइल एक्टिविटीज ऑन 14th February, ये फरवरी से यहां बना दिया। जब अगर कोई बजरंग दल वाला ना देख रहा हो तो उसको ये बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिब्राइल एक्टिविटीज होती हैं कब, बहुत ही एक्साइटेड एक्टिविटीज होती हैं कब, 14th February को। कंप्यूटर जी जरा एक बार जल्दी से आंसर दिखा दीजिए, एक्साइटेड हो गया, वेट हो गया, एक्टिव हो गया, यू कैन से। अगर मैं ये बोलूं द फिब्राइल एटमोसफियर ऑफ द सिटी, इस तरह से आप इसको देख सकते हो, कोई भी आपका एटमोसफियर है बहुत ही ज़्यादा वो कैसा है, फिब्राइल एटमोसफियर है। तो गाइज ये आपका छोटा सा आज रिविजन मैंने क्लास आप लोगों का लिया, आई होप आप लोगों को, आप लोग जरूर कुछ और वर्ड्स को मिस कर रहे होंगे, लेकिन मंडे को मैं आप लोगों का एक तो टाइम इंक्रीज करके मिलता हूँ आप लोगों को, आपका हम इसका टाइम इंक्रीज कर देंगे, इसके साथ आपको कुछ मैं और idioms और phrases के साथ मिलूंगा और आप लोगों को कुछ मैं द हिंदू की vocabulary के साथ मिलूंगा, सबके मिक्सचर के साथ vocab की ट्रिकोलॉजी में मैं आपका मंडे को स्वागत करूंगा, कितने बजे, 10:30 पे, ठीक है ना। तो गाइज अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए, अभी तक भी अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, हर जगह पे फैला दीजिए ताकि बच्चों को पता चले कि वो कैब को लर्न करने का इससे बेस्ट मेथड फिर कोई हो नहीं सकता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।